हेलो कौन फाइल नाउ सेंस श्रीकाल, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आप सभी को पता है मैंने कुछ दिन पहले अपने वीडियो में बोला था कि मैं इस चैनल पे कोई भी कंटेंट नहीं डालेगा, मैं सिर्फ लाइव स्ट्रीम करेगा, बिकॉज हमारा चैनल जो है वो डेड हो गया है। तो लेकिन देखो यार, क्या है ना कि गलती इसमें मेरी नहीं है, गलती इसमें सिर्फ मेरी है बाय द वे, क्योंकि मैंने एक दो महीने कुछ वीडियोस रेगुलरली डाले नहीं थे, और उसके बाद जो है हमारा चैनल डेड हो गया। तो गलती तो ऑफ कोर्स मेरी है। एंड उसके बाद मैंने चैनल ट्राई किया रिवाइव करने का लाइव स्ट्रीमिंग, बट ऑफ कोर्स लाइव स्ट्रीम देखने कोई नहीं आया, बिकॉज ये चैनल तो कॉन्ट्रोवर्सी का चैनल था। तो भाई, तुम लाइव स्ट्रीम देखने कैसे आ सकते हो? बाय द वे गाइस, एक सेल्फ प्रमोशन करना चाहूँगा, मैंने एक बैकअप चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे हम बहुत सारे सोशल मुद्दे के ऊपर साथ साथ गेमिंग मुद्दे के ऊपर भी वीडियोस बनाते हैं। नाम है सेम कंट्रोवर्सी गेमर, लिंक में आपको सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो वहाँ पर जाकर हमको फॉलो भी कर सकते हो। फॉलो अगर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन जरूर दबाना। भाई तो इसे कहते हैं सेल्फ प्रमोशन। ओके सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चिंदास चावे के बारे में। आप सबको पता होगा चिंदास चावे जो एक साल पहले बहुत फेमस हुई थी एमुलेटर के ऊपर, डायनामो के ऊपर उसने कुछ बोला था, उसका बहुत बहुत फेमस हुई थी। एंड उसको जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से रोस्ट किया था, उसमें से एक था हमारा कैप्टन एमडी भी। अगर आपको नहीं पता होगा कैप्टन एमडी कौन है, तो कैप्टन एमडी हमारा एक भाई है, हमारा दूसरा पार्ट है, रोड स्नाइपर और कैप्टन एमडी, ये दोनों जो है हमारे दूसरे पार्ट्स हैं, सेम है हम लोग, इनफैक्ट पार्ट्स भी नहीं, हम लोग सेम है। तो भैया उसने भी जो है बड़ी मेहनत से रोस्ट किया था हमारे चिंदास चावे के ऊपर। एंड बाय द वे, जैसे ही उसने रोस्ट किया था उसके बाद जो है उसको कॉपीराइट स्ट्राइक आने ही वाला था, लेकिन कैप्टन ने संभाल लिया वीडियो डिलीट करके। उसके बाद एक साल तक बड़ी शांति थी। चिंदास चावे क्या कर रही है किसी को कुछ पता भी नहीं था, बस वो अपना काम कर रही थी। एंड उसके बाद हमारे एक और यूट्यूबर आते हैं जिनका नाम है सन रे बी। उन्होंने एक कुछ दिन पहले, यानी कि आई थिंक अ वीक पहले, उन्होंने एक कावे के ऊपर रोस्ट वीडियो बना दिया वापस। एंड वो वीडियो वापस वायरल हो गया एज ऑलवेज, एंड आई होप मेरा ये वीडियो भी वायरल हो जाए। तो जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ तो एज ऑलवेज जो बिंदास काव्या नहीं, बिंदास काव्या नहीं बट उसके पेरेंट्स, चिंदास चाव्या नहीं बट उसके पेरेंट्स जो करते हैं, उसने ट्राई करी कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की। बट अभी यूट्यूब बहुत अच्छा हो गया, बहुत कमाल का हो गया है। यूट्यूब में बोला तत्री माँ की भगा दे उसको वहाँ से, ठीक है, यानी कि स्ट्राइक नहीं लगा सन रे बी को। बट कुछ सवाल जो है यूट्यूब ने पूछा था, एंड उसको जो है कुछ धारा के अंतर्गत कि भैया तुमने ये वीडियो हटाने की क्यों कोशिश करी, वला वला बला 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 बला, तो उसने बहुत सारे फालतू के आईपीसी सेक्शंस वगैरह दिए थे, पता नहीं क्या क्या दिए थे। उसमें से एक था पॉस्को, पॉस्को यानी कि चाइल्ड अब्यूज़र बोल सकते हो या फिर सेक्स अब्यूज़र बोल सकते हो आप, ऐसा बोलने की कोशिश करी गई थी। अब मुझे एक चीज़ बताओ यार भाई, मैं अगर तुम्हारे ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, रोस्ट बना रहा हूँ, इट डजंट मीन्स आई एम फकिंग सेक्सुअल अब्यूज़र डूड, लाइक क्या भाई, क्या सोच के, अरे भाई उसका बाप, भाई तूने क्या सोचा था, ठीक है, कि तू अगर ऐसे कुछ भी एक्ट्स डालने की कोशिश करेगा एंड यूट्यूब तेरी बात मान लेगा, लाइक यूट्यूब तो चूतिया है, और तेरा वकील जो चढ़ा हुआ वकील था जिसको तूने 5 रुपये दिए थे, जो तूने 5 रुपये दिए थे, 5 रुपये की सलाह तू लेके आया, सजेशन लेके आया, तूने उसी चीज़ को यूज़ करा यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक मारने के लिए, जो कि फेल हो गया। अगर सन रे बी रियली चाहे तो वो तेरे पे इनफैक्ट उल्टा केस कर सकता है, तेरी कांड फट सकती है भाई साहब, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ये करने की कोशिश मत करना। एंड बाय द वे, जो आप प्रीच करते हो उसको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, यानी कि जो आप कहते हो वो आपको करना भी चाहिए। तो भैया अगर आप बिंदास काव्य के चैनल पर चले जाओगे, वहाँ पे आप जाना, उसके चैनल के आप सिर्फ थंबनेल्स देखो, वीडियोस देखना मत, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सॉफ्ट वार्निंग, हार्ड वार्निंग, जो भी वार्निंग आपको समझनी है समझ लो, बट उसकी वीडियो देखना मत, पहले बता रहा हूँ, सिर्फ थंबनेल देखना एंड उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो ये है इसके थंबनेल्स, देखो, और ये थंबनेल्स कौन डालता है, ये थंबनेल्स डालता है उसका बाप, सगा बाप। देखो 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 ये देखो देखो गाइस, ये क्या है पता है आपको, ये है पैसा कमाने का जरिया उसके माँ और उसके बाप का। बाय द वे, ये उसका बाप है, ये उसका बाप है। सो गाइस, ये जो है, देखो मैंने एक चीज़ देखा था कि एक बाप जो है अपने बच्चे को बड़ा करता है, 20-25 साल का बनाता है, फिर बच्चा कमाने लगता है, फिर 30 या 35 साल में आके बच्चा जो है अपने बाप का केयर करता है। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है, यहाँ पे जो बिंदास काव्या है जो कि 14 साल की है, भाई तो वे बिंदास काव्या 14 साल की लगभग लास्ट एक साल से है, ठीक है,
लास्ट एक साल से जब वो रोस्टिंग का चालू हुआ तभी भी वो 14 साल की थी, एंड आज भी वो 14 साल की ही है। आई डोंट नो हाउ, मैं 35 का हो गया बट वो अभी भी 14 साल की है। ओ माई गॉड, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो ये 14 साल की जो लड़की है ये अपने पेरेंट्स को कमा के खिला रही है यूट्यूब के थ्रू। एंड कमा कैसे रही है आप देख ही सकते हो, ये थंबनेल, ये सब थंबनेल का कमाल है भाई साहब, ये सब थंबनेल का कमाल है, सब थंबनेल के ऊपर आता है। बाय द वे एक चीज़ पूछना था, सच्ची सच्ची बताना ठीक है, तुम्हारे तुम्हारे को ना अपनी अम्मी की कसम, अपनी मम्मी की कसम, अपनी माँ की कसम है भाई, ये जो थंबनेल है ना मेरा, वो देख कितने सारे लोग आए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना, ज़रूर बताना, पहले बता रहा हूँ मैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं वापस चिंदा चावे के ऊपर एंड उसके पेरेंट्स के ऊपर। तो भैया उनके पेरेंट्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं इन पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगा, आई एम सो सॉरी, आप नहीं मार पाओगे बिकॉज मैंने तेरा कंटेंट यूज करा ही नहीं है। ओ लोडे लग गए, लोडे लग गए। हाँ ठीक है, तो कोशिश मत करना। एंड इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हो, तुम्हारा मैनेजर कोई तो है ना लड़की, उसको बोलना जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, मेरे को मूड ही नहीं बात करने का, कोशिश भी मत करना ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्राइक तो ऑलरेडी पता चल गया है कि नहीं होगा, एंड पॉस्को एक्ट मेरे पे आई डोंट थिंक लगा पाओगे ठीक है। कोई दूसरा सेक्शन आईपीएस वगैरह ढूंढ के लेके आना अगर आपका मन करे तो ठीक है। चलिए हम चलते हैं अभी, बाय बाय, टेक केयर। अरे भैया एक बात और बोल रहे हैं कि देखो, वीडियो अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी हमारे पुराने कंटेंट वाले हैं ना, जो पुराने सब्सक्राइबर, वापस आ जाइए, समझ रहे हैं, और भी वीडियोस आएंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट बॉयज।